हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं लेकर आई हूँ फिर से एक नई मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको एक सीख देकर जरूर जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू। टाइटल है मौत का भय। पद्म पुराण में कहा गया है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होने की जगह सत्कर्मों के माध्यम से मरण को शुभ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैन संत आचार्य तुलसी एक बोध कथा सुनाया करते थे। एक मछुआरा समुद्र से मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक मणिक उसके पास आकर बैठा। उसने पूछा, मित्र क्या तुम्हारे पिता हैं? उसने जवाब दिया, नहीं। उन्हें समुद्र की एक बड़ी मछली निगल गई। उसने फिर पूछा, और तुम्हारा बड़ा भाई? मछुआरे ने जवाब दिया, नौका डूब जाने के कारण वह समुद्र में समा गया। मरिग ने फिर पूछा, दादाजी और चाची जी की मृत्यु कैसे हुई? मछुआरे ने बताया, वे भी समुद्र में ही लीन हो गए थे। मरिग ने यह सुना तो बोला, मित्र यह समुद्र तुम्हारे विनाश का कारण है। बावजूद इसके तट पर आकर जाल डालते हो, क्या तुम्हें मरने का भय नहीं है? मछुआरा बोला, मौत जिस दिन आनी होगी आएगी ही। तुम्हारे घर वालों में से दादा परदादा पिता में से शायद ही कोई इस समुद्र तक आया होगा। फिर भी यह सब चंद से मौत कब आती है और कैसे आती है यह आज तक कोई भी नहीं समझ सका है। फिर मैं ही बेकार क्यों मौत से डरूं? भगवान महावीर ने कहा था, नरागमो मच्युमुहस्यास्ति, यानी मृत्यु किसी भी द्वार से आ सकती है। इसलिए आत्मज्ञानी ही मौत के भय से बचा रह सकता है।